हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं अभी कहां पे खड़ा हूं, किस जगह पे खड़ा हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा रेलवे के जो कोच होते हैं उसमें जो एयर कंडीशन लगा हुआ होता है उसका पैनल कहां पे फिटिंग होता है, तो वही यूनिट आज कैसे निकलता है उसको दिखाने वाला हूं। ट्रेन में जो एसी का डब्बा होता है उसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे साथ रेलवे के ये इंजीनियर हैं। जो भी एसी में फॉल्ट होगा या कुछ भी होगा तो वे इन्हीं की देखरेख में होता है। तो इनके काम को अभी समझते हैं, एक एक चीज़ इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जितना अच्छे से बताएंगे वो उतना अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा। ये है पैनल है, ये दूसरे कोच से टोचन देने, मान लीजिए कि सर ये पीछे स्लीपर है तो स्लीपर में और बीच में एसी है, तो फिर स्लीपर वाला एक लाइट ख़त्म होगा, ये उसके बाद उधर वाली लाइट से हमको देना है, तो इधर से हम कनेक्शन करेंगे तो उधर हमको कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। अच्छा, उसके अलावा बाकी उसके जो बाद में इधर आ जाइए, ये हमारी पैनल है, इसमें चार्जिंग बांधते हैं हम। ओके। बैटरी चार्ज करने के लिए मैं 3 फेज सप्लाई देते हैं 440 वोल्ट। जी हाँ। ओके, यहाँ से सप्लाई देंगे तो आपको चार्जर पर यहाँ आएगा। सप्लाई दिए 3 फेज 440 वोल्ट, यहाँ हमारी पैनल में आ गई, ये बैटरी चार्जर होगा। देखिए, ये हो गया बैटरी चार्जर। जी हाँ। ओके, यहाँ चार्ज होता है। हाँ, ये इसमें 3 फेज सप्लाई दे दिए, ये 110 वोल्ट से ऊपर 140 वोल्ट तक लिए हमें आउट करेगा, तो उसके बाद हमारा बैटरी चार्ज होगा। ओके जी हाँ, ठीक है। और ये है आर पैनल हुआ, आर पैनल। जी हाँ। इसका क्या काम होता है? ये काम होता है कि वो रनिंग में इसे बैटरी चार्ज होगा। अच्छा, इसी से बैटरी चार्ज होगा रनिंग में। ओके। इसके लिए नीचे अल्टरनेटर लगा हुआ है, 25 के वीए का अल्टरनेटर है, ट्रॉली के नीचे है, तो इसी से चार्ज होता है। और एसी जो रहती है इसी से चलती है। हाँ जी हाँ। और ये ब्लैक वाला क्या है? ये है इन्वर्टर हुआ। अच्छा, ये इन्वर्टर हुआ, 25 के वीए का इन्वर्टर हुआ। हाँ हाँ हाँ। ये ओके, 3 फेज सप्लाई है, 110 वोल्ट चाहिए इसको, 110 से 650 डीसी बनता है, उसके बाद 650 से 440। और ये जो बड़ा वाला बॉक्स, ये पानी टैंकी है। अच्छा, आप देखिए, पानी टैंकी जो है वॉशरूम में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो ये वाला पार्ट है। ओके, ये इधर बैटरी बॉक्स है, ये बैटरी बॉक्स है, इसके अंदर आप जो देख रहे हो इसके अंदर ही बैटरी सारी रखी जाती है, जिससे इस पूरे कोच में सप्लाई होता है। एसी में जब कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको, उसके यूनिट को कैसे निकाल के रिपेयर किया जाता है उसका प्रोसेस आप देखो, अभी वो कैसे निकलता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे इसके स्पेशलिस्ट इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनसे बात भी करेंगे, इसको कैसे निकाला जाता है आपको दिखाता हूँ वो सारा प्रोसेस। ये सर, ये 6 बोल्ट है जी, 6 बोल्ट बेस पर, एसी कोच के बेस पर कसा रहता है हमारे एसी यूनिट, 3 गो इधर है, 3 गो इधर है, और बेल्ट के अनुसार से सेफ्टी लेकर इसको ध्यान के द्वारा उठाया जाएगा, इसको आप खोल लेंगे और ये इसको लिफ्ट कर लिया जाए। तो चलिए, ये प्रोसेस आप देखिए कैसे होता है ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखिए, इसको फंसा दिया गया है नीचे करके, अभी ये लोग इधर से पीछे आ जाएंगे और इसको ऊपर खींच लिया जाएगा। ए भगत जी, दोबारा ब्रेक दे रहे हैं, वापस कीजिए आप, अभी काला पैनल है ना। Thank you.
रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर किया जाएगा, हाँ, दोनों साइड के वो प्लांट उतरा है उसको रिपेयर करके फिर इसको उस पर चढ़ाया जाएगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में? कंप्रेसर मतलब कि 4 घंटा लगेगा एक यूनिट में 4 घंटा। अच्छा, जब भी एसी में कुछ खराबी होती है किस तरह से उतार के उसको रिपेयर किया जाए? जी हाँ, देखो यूनिट अभी निकला है, इसको लेके जाया जा रहा है वर्कशॉप में। देखिए यहीं पे वो सेट रहता है, यहीं से वो हवा जाती है एसी में। एसी के अंदर आप देखो जो ऊपर से हवा जाती है वो ये है, और साइड से जो देखोगे वो इस तरह से जाती है। यहाँ से ठंडक हवा कोच में मिलती है। अच्छा, वहाँ से मिलती है? हाँ, कोच में ठंडक हवा मिलती है। और ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ये 45% रिटर्न हवा। अच्छा। यहाँ फ्रेश करके यही ब्लोअर के द्वारा अंदर जाती है, आपको ठंडा हवा मिलता है। अच्छा, इधर से ठंडा हवा जाती है, उधर से अंदर की गर्मी को बाहर निकाल एग्जॉस्ट करके। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एसी की फिटिंग कहाँ पे होती है और कैसे किया जाता है, तो आज देख लो, आपको मौका है देखने का। और हम थैंक्स करना चाहेंगे अनिल भाई का, जो जिन्होंने इतने अच्छे से हमको एक्सप्लेन करके बताया। और एक एसी की लाइफ कितनी रहती है एक ट्रेन की? एक ट्रेन के कोच अभी नई एलएचबी कोच की है वो 35 साल की है, ये पुरानी कोच की है, पहले था 25 साल का। अच्छा। अब 20 साल का कर चुका है वो, स्लीपर कोच हो एसी हो या जनरल हो। और एक नॉर्मल एसी का मेंटेनेंस कितने दिनों में किया जाता है, कितने सालों में? देखिए मेंटेनेंस 3 टाइप के होती है। अच्छा। एक आईएच होती है तो 9 महीना पर आईएच होती है, और पीएच होती है जो कारखाने में होती है, तो कारखाने में होती है वो 2 साल पर होती है। अच्छा। और वॉशिंग पीट पर हर नेक्स्ट पीट पर वो मेंटेनेंस होती है। दोस्तों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अनिल सर हैं, हमारी तरफ से आप सबकी तरफ से इनको एक बिग थैंक यू दीजिए। आपको ये वीडियो अगर YouTube में मिल गया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। इनका कहना है मैं भी YouTube देखता हूँ, लेकिन ये जो आपने आज कवर किया है इसका वीडियो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम सब की तरफ से अनिल भाई को एक बहुत बहुत धन्यवाद ये कवर करने के लिए, और आप लोगों को जानकारी के लिए जो कहाँ पे फिटिंग होता है। तो चलिए, इनको हमारी तरफ से एक बिग सैल्यूट। ऐसे लोग रेलवे को संभाले हुए हैं, बहुत बहुत मेहनत लगता है ये सब काम करने में। मैं कल भी आया था, इनसे बात हुई थी, बोले थे कल आइएगा, वो यूनिट उतरेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आज आपके लिए ये सारा चीज़ यहाँ आया हूँ और कवर करके दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए तो कर लो सब्सक्राइब, आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।